Children, today I will discuss Python libraries part 1. Python libraries, Python modules, Python packages. 11th class में भी हमने कुछ इनके बारे में थोड़ा सा description पढ़ा था कि Python की कुछ libraries होती है, even use में भी लिए हुए हैं, like math library. Math को हमने import किया, math के कुछ functions, power function, sqrt, या स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस, वो भी हमने यूज़ में लिए हैं. तो हमने जो लाइब्रेरीज़ को यूज़ में लिया है, यहाँ पर हम बेसिकली ये सीखेंगे कि एक मॉड्यूल को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, एक लाइब्रेरी को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, और पाइथन लाइब्रेरी या मॉड्यूल होते क्या हैं. तो इसी को कंटिन्यू करते हैं और टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. Python libraries introduction. इसका एक introduction. All library refers to a collection of modules and packages, where each module is a group of related functions. देखो, जैसे अगर मैं आपसे query करता हूँ कि what is a file? File is a collection of related documents. Okay? Now what is a folder? Folder is a collection of related files. डॉक्यूमेंट को कहाँ रखते हैं? एक फाइल में. और फाइल्स को जो रिलेटेड उनको कहाँ रखते हैं? एक फोल्डर में. यहाँ पर क्या किया जाता है, हमारे पास में जो फंक्शंस हैं, जो हम फंक्शंस बनाते हैं, जो कोड हम लिखते हैं, उसको कलेक्शन करके एक मॉड्यूल बनाया जाता है. और उन मॉड्यूल्स को अगर हम ग्रुप कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है हमारे पास में? एक लाइब्रेरी, ठीक है, या एक पैकेज जिसे कह सकते हैं. अ लाइब्रेरी रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है. लाइब्रेरी को पैकेज भी कहा जाता है. रिमेंबर, लाइब्रेरी और पैकेज के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है. जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक पैकेज आता है, जो ऑफिस का, ऑफिस क्या एक पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो बेसिकली वो है क्या? एक पैकेज है. उसी तरह से अ लाइब्रेरी रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस, वेयर ईच मॉड्यूल इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फंक्शन. जहाँ पर हर एक मॉड्यूल क्या है, उसके अंदर रिलेटेड फंक्शन है. रिलेटेड तो डिपेंड करता है हम पर. जैसे मैथ का है, हमारे पास में इनबिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं बहुत सारे, और कुछ मॉड्यूल हम भी बना सकते हैं, दोनों ही बातें हैं हमारे पास. जैसे कि मैथ मॉड्यूल है, मैथ मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शंस है, ऑल फंक्शंस आर मैथमेटिक रिलेटेड, ठीक है. स्ट्रिंग का जो मॉड्यूल है, उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, ऑल आर रिलेटेड टू स्ट्रिंग्स. तो कोई भी मॉड्यूल जो हो है, उस मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, ऑल दोज फंक्शंस आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर कंसर्न. हो सकता है कि आपका क्या कंसर्न है, क्या आप रिलेट करते हैं. इसी में आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. पाइथन लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस and methods that allows you to perform many actions without writing your code. Python library क्या है? Same है, ऊपर वाली language है. इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस का कलेक्शन है. वो सारे फंक्शन कहाँ पर स्टोर्ड है? मैथड. फंक्शन और मैथड एक ही होते हैं, हमने डिस्कस किया पिछले चैप्टर में. फंक्शन और मैथड वो सारे कहाँ पर स्टोर्ड है? मॉड्यूल्स में. और मॉड्यूल किसका, मॉड्यूल्स को मिला करके क्या बनता है? एक पैकेज. उस पैकेज को क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी. समझ में आ गया? तो ये हमारे पास में बहुत सारे फंक्शंस का कलेक्शन है. क्या? पाइथन लाइब्रेरी जो है. पाइथन इज ए ओशियन ऑफ लाइब्रेरीज दैट सर्व वेरियस पर्पजेस. एज ए पाइथन डेवलपर वन मस्ट हैव साउंड नॉलेज ऑफ दीज लाइब्रेरीज. एक्चुअल में पाइथन के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट टूल है. अगर हम सारे टूल अपने आप बनाने लगे तो फिर एप्लीकेशंस को डेवलप करने में हमें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. हमें ये एफर्ट्स ना लगाने पड़े, इसके लिए हमारे पास में बहुत सारी लाइब्रेरीज पहले से बनी हुई दी हुई है, इनबिल्ट लाइब्रेरीज जिनको कहा जाता है. तो बेसिकली पाइथन है क्या? पाइथन इज एन ओशन ऑफ लाइब्रेरीज. बहुत सारी लाइब्रेरीज है उसके अंदर, और बहुत लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट भी किया जा सकता है, डाउनलोड भी किया जा सकता है. तो बहुत सारी लाइब्रेरीज है. अगर आपको एक पाइथन डेवलपर बनना है
तो उसके लिए आपको इन लाइब्रेरीज की साउंड नॉलेज होना कंपलसरी है। कुछ लाइब्रेरीज का हम एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। एग्जांपल, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, नमपाई, एससीआई पाई, टीके इंटर, मैट प्लॉट लेब। इसके अलावा भी बहुत सारी पाइथन लाइब्रेरीज है जो यूज़ में ली जाती हैं। इन लाइब्रेरीज को यूज़ में लेने से पहले, जो हम मैथ मॉड्यूल की बात कर रहे थे, एक बात और समझा देते हैं। जो मैथ मॉड्यूल की हम बात कर रहे हैं या जो हम स्ट्रिंग मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, वो सारी पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर सेव्ड है। और पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है वो पाइथन इंस्टॉलेशन के टाइम पर अपने आप ही इंस्टॉल हो जाती है, तो उसके लिए हमने अभी तक कोई अलग से एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं हुई। लेकिन अगर हम नमपाई, एससीआई पाई या टीके इंटर, मैट प्लॉट लिब यूज़ में लेते हैं, तो इसके लिए हमें अलग से इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट होती है। आगे समझ में? तो पाइथन लाइब्रेरीज जो है वो बहुत सारी लाइब्रेरीज है, उनकी हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर एक इमेज दिखाई गई है जिसमें टॉप 10 पाइथन लाइब्रेरीज के बारे में बताया गया है। जैसे ये यहाँ पर ये दिखाया गया है, आप देख सकते हैं पाइथन लाइब्रेरीज के अंदर हम पॉइंटर यूज़ में लेते हैं, लेज़र पॉइंटर। ये टेंसर फ्लो, ये लाइब्रेरी है, नमपाई, एस सी आई पाई, एस सी आई किट, पांडास। पांडास हमारे 12th क्लास में आईपी में यूज़ में होता है। जो पांडास है हमारे पास में आईपी के सिलेबस में है, हमारे पास में कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैट प्लॉट लिब, ये पहले हमारे पास में जो सिलेबस था, चार्ट वाला जो चैप्टर था, लास्ट ईयर तक था, अब नहीं है। केरा, पाइटॉर्च, लाइट जीबीएम और ELi5, ये तो टॉप 10 पाइथन लाइब्रेरीज है। इसके अलावा भी पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज है जो यूज़ में ली जा सकती हैं। आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। रिलेशन नेक्स्ट स्लाइड। बिटवीन अ मॉड्यूल, पैकेज एंड लाइब्रेरी। देखो, ये आपको मालूम होना चाहिए कि मॉड्यूल, पैकेज और लाइब्रेरी तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। पाइथन मॉड्यूल, अ मॉड्यूल इज़ ए फाइल दैट कंटेन पाइथन कोड्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स, क्लासेस एंड स्टेटमेंट विद .py एक्सटेंशन। मॉड्यूल है क्या? सिंपली एक फाइल है। मैंने अगर एक पाइथन का एक फंक्शन बनाया और फंक्शन बनाने के बाद में फंक्शन की डेफिनेशन लिखी उसके अंदर, और वो डेफिनेशन लिखने के बाद में मैंने उसको .py एक्सटेंशन से सेव कर दिया, सेव करने के बाद में वो क्या बन जाएगा? एक मॉड्यूल बन जाएगा। आगे एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। सिंपल एक कोड है, उसके अंदर कोड भी हो सकता है। आपने वेरिएबल डिफाइन किए हो तो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। क्लासेस हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपने अगर क्लासेस वगैरह यूज़ में ली हुई है तो वो भी होंगे। फंक्शंस आपने उसके अंदर कुछ और फंक्शंस बनाए तो वो भी होंगे। तो बेसिकली एक मॉड्यूल है क्या? एक मॉड्यूल जो होता है वो सिंपल एक फाइल है जिसके अंदर आपने कुछ फंक्शंस को, कोड को, वेरिएबल्स को, स्टेटमेंट्स को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, पाइथन पैकेज। पाइथन पैकेज क्या होता है? अ पाइथन पैकेज इज सिंपली अ डायरेक्टरी ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। पाइथन मॉड्यूल्स की एक डायरेक्टरी है। पाइथन पैकेज क्या है? बेसिकली पाइथन मॉड्यूल्स की एक डायरेक्टरी है। अ पैकेज इज अ डायरेक्टरी ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स कंटेनिंग एन एडिशनल init.py फाइल। बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट फाइल है जो आप ये देख रहे हैं। ये फाइल क्या करती है? एक डायरेक्टरी मेंटेन करती है। ये जो फाइल है एक डायरेक्टरी मेंटेन करती है। उस डायरेक्टरी के अंदर वो सारे मॉड्यूल्स होते हैं जिनका आपने पैकेज बनाया है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, देखो मैंने आपको बताया लाइब्रेरी और पैकेज के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एक पैकेज है, ठीक है ना। जब डिफरेंस नहीं है तो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या है? एक पैकेज है। उस पैकेज के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है two_init two_underscore.py। उसके अंदर एक ये वाली फाइल भी है उस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर, ठीक है। ये वाली फाइल भी है। इस फाइल ने एक डायरेक्टरी मेंटेन की हुई है जिसके अंदर जितने भी मॉड्यूल्स के हैं उसके अंदर सबको एनकोड किया हुआ है, एक लिस्टिंग की हुई है, एक इंडेक्स बनाया हुआ है। आगे समझ में? तो पाइथन पैकेज बेसिकली है क्या?
एक डायरेक्टरी है किसकी, मॉड्यूल्स की, ठीक है। पाइथन लाइब्रेरी सेम, देखो अ लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस पैकेजेस। अभी मैं कह रहा हूँ कि पाइथन पैकेज और मॉड्यूल, पैकेज और लाइब्रेरी दोनों एक ही है, और यहाँ कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ वेरियस पैकेजेस। जैसे हम कहते हैं व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, रिलेटेड प्रोग्राम्स। तो बेसिकली क्या, वो सारे प्रोग्राम्स रिलेटेड है, बट अ सिंगल प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। अ डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स, बट अ सिंगल टेबल इज ऑल्सो अ डाटाबेस। आगे समझ में? तो बेसिकली अ लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस पैकेजेस। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन पाइथन पैकेज एंड लाइब्रेरी। सो रिलेशन बिटवीन अ मॉड्यूल, पैकेज एंड लाइब्रेरी वी डिस्कस हियर, नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सी पाइथन मॉड्यूल्स, यहाँ पर पाइथन मॉड्यूल्स के बारे में थोड़ा और डिस्कस किया गया है। अ मॉड्यूल इज सिंपली अ पाइथन फाइल वेयर स्टेटमेंट्स, क्लासेस, फंक्शंस, कंस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स आर डिफाइंड, कंस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स आर डिफाइंड। बेसिकली क्या है कि एक मॉड्यूल सिंपली है क्या, एक फाइल है, हमने पहले भी डिस्कस किया, पिछली स्लाइड पर हमने डिस्कस किया, एक सिंपली एक फाइल है। उस फाइल के अंदर आपने कोड डिफाइन किया हुआ है, क्लास डिफाइन की हुई है, फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, कुछ और वेरिएबल्स डिफाइन किए, वो सारे डिफाइंड है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक मॉड्यूल बोल रहे हैं। और वो किस एक्सटेंशन से सेव होती है, डॉट पी वाई एक्सटेंशन। अ मॉड्यूल अलाउज अस टू ऑर्गेनाइज आवर कोड बाई ग्रुपिंग रिलेटेड कोड विच मेक्स द कोड इजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज। मॉड्यूल बेसिकली करते कि अलाउज अस टू ऑर्गेनाइज आवर कोड, हमारे कोड को ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प करता है। ऑर्गेनाइज आवर कोड बाई ग्रुपिंग रिलेटेड कोड, एक मॉड्यूल के अंदर हम बहुत सारे फंक्शंस को, रिलेटेड फंक्शंस को ग्रुप कर सकते हैं। जैसे मैथ मॉड्यूल है, तो मैथ मॉड्यूल के अंदर सारे मैथ से रिलेटेड फंक्शंस हैं, तो उससे क्या हो रहा है, मैथ के सारे फंक्शन को हमने एक जगह ऑर्गेनाइज कर दिया, उनको एक जगह ग्रुप कर दिया रिलेटेड कोड को। उससे क्या बेनिफिट है, वो इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ हो जाता है। डायरेक्टली हमें अगर मैथ का कोई फंक्शन यूज़ में लेना है, इम्पोर्ट मैथ मॉड्यूल एंड यूज़ दैट फंक्शन ईजिली। आगे समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, पाइथन मॉड्यूल्स आर डॉट पी वाई फाइल्स दैट कंसिस्ट ऑफ पाइथन कोड। एनी पाइथन फाइल कैन बी रेफरेंस्ड एज ए मॉड्यूल। कोई भी पाइथन की फाइल को एज ए मॉड्यूल रेफरेंस किया जा सकता है। आपने अब तक जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं पाइथन के, वी कैन यूज़ दोज फाइल्स एज ए मॉड्यूल। ओके, एडवांटेज ऑफ मॉड्यूल्स, इनकी एडवांटेज क्या है? तो बेसिकली एडवांटेज, पहली एडवांटेज आ रही है रीयूजेबिलिटी। अ मॉड्यूल कैन बी यूज्ड इन सम अदर पाइथन कोड, हैंस इट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी, रीयूज क्या होता है, पहले से बने हुए किसी कंटेंट को यूज में लेना, उसे रीयूज बोलते हैं। जैसे सपोज मैथ का मॉड्यूल है, वो एक इनबिल्ट मॉड्यूल है, पहले से बना हुआ है, आपको जिस भी एप्लीकेशन में जो आप पाइथन में डेवलप कर रहे हैं, जिस भी प्रोग्राम में आपको उसकी ज़रूरत है, आप वहाँ पर उसको इंपोर्ट करके उसके फंक्शंस को यूज़ में ले सकते हैं। आप अपना एक मॉड्यूल भी बना सकते हैं, अपना मॉड्यूल बनाने के बाद में उस मॉड्यूल के डिफरेंट कोड्स को, उसके अंदर जितने भी फंक्शन लिखे हुए हैं उनके कोड को आपको कहीं भी यूटिलाइज करने की रिक्वायरमेंट है, आप उस मॉड्यूल को इम्पोर्ट किए और यूज़ में लीजिए। एग्जाम्पल आएगा आगे, उससे समझ में आ जाएगा ये। तो मेन एडवांटेज क्या है इसकी, रीयूजेबिलिटी। एक बार आपने डेवलप करके रख लिया एक मॉड्यूल को, या पहले से बनाए बनाए मॉड्यूल हमें प्रोवाइड कर दिया गया, नाउ यू कैन यूज़ दैट मॉड्यूल एनी नंबर ऑफ टाइम इन एनी प्रोग्राम। ओके, और एक प्रोग्राम के अंदर एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत एक बार ही होती है। ऐसा नहीं है कि उस मॉड्यूल के फंक्शंस को एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में 10 बार यूज़ में लिया गया है तो 10 बार इंपोर्ट करेंगे। एक बार आपने इंपोर्ट किया, हमने इंपोर्ट के तो अभी पढ़ा हुआ है, हमने पिछले जो
फंक्शन चैप्टर में इंपोर्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, तो एक बार आपने उसको इंपोर्ट किया उसके बाद में उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। पुटिंग कोड्स इनटू मॉड्यूल्स इज यूजफुल बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू इंपोर्ट द मॉड्यूल फंक्शनैलिटी। कुछ कोड्स को एक मॉड्यूल के अंदर बिल्ड करना, बना देना, वो बहुत यूजफुल है। यूजफुल क्यों है? क्योंकि आप उस पर्टिकुलर फाइल को इंपोर्ट कीजिए, जो कि बहुत आसान है इंपोर्ट करने का तरीका, और उसके कोड को आप यूज़ में ले सकते हैं, और एक बार बनाने के बाद में आप कितनी बार भी यूज़ में ले सकते हैं। इसलिए वो क्या हो गया, यहाँ पर एक इंपोर्ट किया आपने, पहले से बने हुए मॉडल को आपने इंपोर्ट कर लिया। क्लियर? पाइथन मॉड्यूल्स, इसी को आगे अभी मॉड्यूल ही कंटिन्यू चल रहा है। सम मॉड्यूल्स आर अवेलेबल थ्रू द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड इंस्टॉल्ड विद पाइथन इंस्टॉलेशन। कुछ मॉड्यूल है, जैसे हमने डिस्कस किए थे, स्ट्रिंग मॉड्यूल है, मैथ मॉड्यूल है, या और भी कुछ मॉड्यूल्स हैं हमारे पास में, रैंडम मॉड्यूल है, और बुक के अंदर दिए गए हैं कुछ मॉड्यूल्स हमारे पास में हैं। तो ये सारे मॉड्यूल जो हैं पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर है, और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ पाइथन इंस्टॉलेशन। इनको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हमें किस की ज़रूरत पड़ती है, इंपोर्ट करने की, किसमें, हमारे प्रोग्राम में। इंपोर्ट करो और इनके जो फंक्शंस हैं उनको यूज़ में लो, वेरी सिंपल। सम मॉड्यूल्स कैन बी इंस्टॉल्ड विद पाइथन पैकेज मैनेजर PIP। ये PIP का एक कमांड है जो कि हम कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करके ऑनलाइन कुछ मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। पिप कमांड के थ्रू हम ऑनलाइन कुछ मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हम एक प्रैक्टिकल सेशन में दिखाएंगे कि किस तरह से पिप कमांड के थ्रू एक ऑनलाइन पैकेज को इंस्टॉल किया जा सकता है। यू ऑल्सो कैन क्रिएट योर ऑन पाइथन मॉड्यूल सिंस पाइथन मॉड्यूल्स आर कंप्राइज्ड ऑफ .py फाइल्स। आप सभी को मालूम है पाइथन मॉड्यूल है क्या, सिंपली एक .py फाइल है, ठीक है? तो हम अपना भी एक मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, ये देखो, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेलो, ये एक सिंपल एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एक कोड के अंदर, def के थ्रू हेलो नेम, और प्रिंट कर दिया हेलो और नेम को प्रिंट किया है। ये फंक्शन है, जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा वहाँ से कुछ वैल्यू पास होगी नेम की, और ये मैसेज प्रिंट होगा, साथ में नेम प्रिंट होगा। आगे समझ में? तो बेसिकली ये क्या है, हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया है, डिफाइन ए फंक्शन इन ए फाइल एंड सेव दैट फाइल बाय नेम विद .py एक्सटेंशन, हेयर आई यूज़ माई मॉड्यूल .py। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर फाइल का नाम क्या यूज़ में लिया हुआ है, माई मॉड्यूल .py। ओके, नेक्स्ट, इम्पोर्ट माई मॉड्यूल। माई मॉड्यूल को मैंने इम्पोर्ट किया, और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है nm इक्वल str। यहाँ पर ये प्रोग्राम है, वो तो मॉड्यूल बनाया है ये वाला, और यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को यूज़ में ले रहा हूँ। मैंने सबसे पहले जो mymodule.py है इसको इम्पोर्ट किया। इम्पोर्ट करने के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रिंग इनपुट करी, जो कि मैं कोई भी स्ट्रिंग इनपुट कर सकता हूँ, और उसको किसको पास कर दिया हमने, जो mymodule.hello, हेलो फंक्शन है माई मॉड्यूल के अंदर, उसके अंदर उसको मैंने nm को पास कर दिया, जो कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, इम्पोर्ट माई मॉड्यूल इन अनादर प्रोग्राम एंड यूज हेलो फंक्शन देयर एंड रन द कोड, और उसको जैसे ही आप रन करेंगे तो आउटपुट आएगा। आउटपुट क्या आ रहा है, देखो, एंटर योर नेम, मैंने अमित इनपुट किया, हेलो अमित, ये प्रिंट हो गया। तो बेसिकली ये यहाँ पर इनपुट हुआ, और हेलो फंक्शन कहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, इस मॉड्यूल के अंदर। आगे समझ में? तो हमने एक मॉड्यूल क्रिएट किया है यहाँ पर। पाइथन मॉड्यूल्स एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। मॉड्यूल क्रिएशन, एक मॉड्यूल को क्रिएट करना, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर भी वही मॉड्यूल है, उसी को एक्सटेंड किया है। इस मॉड्यूल के अंदर वहाँ हमने केवल एक हेलो फंक्शन क्रिएट किया था,
यहाँ इस मॉड्यूल के अंदर हमने चार फंक्शन क्रिएट किए हैं। एक सर्किल एरिया है सी एरिया नाम से, एक स्क्वायर एरिया जो कि एस क्यू आर एरिया नाम से बनाया है, एक एस एम पी एल अंडर स्कोर इंट आई एन टी सिंपल इंटरेस्ट के लिए फंक्शन बनाया है। तो ये सपोज ये चार फंक्शन है जो मेरी एप्लीकेशन में यूज़ में आते हैं, तो मैंने कुछ फंक्शंस को डिफाइन करके, और ये फंक्शंस मल्टीपल टाइम यूज़ में आते हैं, तो मुझे मल्टीपल टाइम इनका कोड यूज़ में लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया, एक मॉड्यूल बनाया और उस मॉड्यूल के अंदर इन सारे फंक्शंस को सेव कर दिया। फाइल का नाम वही है माई मॉड्यूल डॉट पी वाई। वहाँ पर सेव करने के बाद में इस मॉड्यूल को मैंने इम्पोर्ट किया। यहाँ पर आप देखिए इम्पोर्ट माई मॉड्यूल इम्पोर्ट किया। सबसे पहले मैंने कॉल किया किसको, हेलो फंक्शन को। उसके लिए क्या ज़रूरी था, एंटर योर नेम, नेम को इनपुट किया, एन एम को पास कर दिया, ये आ गया। उसके बाद में यहाँ पर रेडियस को इनपुट किया और माई मॉड्यूल डॉट सी एरिया इसको कॉल किया और सर्कल का एरिया प्रिंट कर लिया। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन और दिया हुआ है जो कि स्क्वायर का है, एस क्यू आर एरिया। तो वहाँ पर एस को इनपुट किया, एस क्यू आर एरिया को पास कर दिया, उसकी वैल्यू हमारे पास में एरिया ऑफ स्क्वायर वेरिएबल के अंदर आई और यहाँ प्रिंट कर दिया। यहाँ पर मैंने ये जो माय मॉड्यूल सिंपल इंटरेस्ट के लिए, उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज 1000, 10.5 रेट और 2 क्या है उसका टाइम है, ये तीनों चीज़ें मैंने इनपुट की और इनपुट करने के बाद में पास की, सॉरी फंक्शन को पास की, और पास करने के बाद में फंक्शन कॉल होगा। कॉल होने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और वो वैल्यू कहाँ पर आएगी, एस आई में, जिसको हमने प्रिंट किया। अगर हम इसका आउटपुट चेक करते हैं तो आउटपुट के अंदर हमारे पास में आएगा एंटर योर नेम, आई एंटर माई नेम, रूप हेलो रूप, एंटर रेडियस 10 लिखा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल 3.14.16, हम समझ गए। एंटर साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज 5, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल 25, सिंपल इंटरेस्ट जो कि अपने आप ही 210 कैलकुलेट हो रहा है, उसके लिए हमने कोई वैल्यू इनपुट नहीं की है। तो यहाँ पर हाउ टू क्रिएट आर ऑन मॉड्यूल ये एक्सप्लेन किया गया है, किस तरह से एक मॉड्यूल को क्रिएट किया जा सकता है और मॉड्यूल होते क्या हैं, लाइब्रेरी क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं। आज हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे और कल हम इसका आगे फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, हाउ टू इम्पोर्ट अ फंक्शन और मॉड्यूल। हालांकि वो हम टॉपिक डिस्कस कर फिर भी उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आगे फर्दर पॉइंट्स को यूज़ में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।